हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर्स को, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स थोड़े हार्ड है, कौन से इजी है। जैसा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स का कर लिया है, यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। एंड क्लास 9 के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी बन चुका है, तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी वीडियो को इजीली देख सकते हैं, जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर ये सब के वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के सिलेबस को, चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि लोग आपके साइंस के सिलेबस की बात करें तो आपके साइंस बुक में कुल यहाँ पर 15 चैप्टर्स दिए गए हैं। अब इन 15 चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है। एंड यहाँ पर कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे एंड कुछ बायो के होंगे। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, कौन से चैप्टर जो फिजिक्स के हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर्स ईजी हैं, कौन से चैप्टर्स हार्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को यदि मैं बोलूं तो यहां पर चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 3, 4 ये चारों चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर 5, 6, 7 ये बायोलॉजी के हैं। चैप्टर 8, 9, 10 फिजिक्स, चैप्टर 11 फिजिक्स, चैप्टर 12 फिजिक्स, चैप्टर 13, 14, 15 ये बायो का है। ओके, तो यहां पर बायो के जो चैप्टर्स है वो है 6, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स है, 6, 4, 10 एंड जो बच गए 5, यानी चैप्टर 8 to चैप्टर 12 ये आप लोगों के फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। ओके, तो इस प्रकार का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोग बुक तो खरीद ही चुके होंगे, तो पहले बुक में आप लोग ये लिख दीजिए कि चैप्टर 1 to 4 जो केमिस्ट्री का है, चैप्टर 5, 6, 7 और चैप्टर 13, 14, 15 ये बायो का है एंड जो बच गए वो फिजिक्स के हैं। ओके, पहले आप लोग इस प्रकार से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग से। तो देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग ये चैप्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा ईजी है एंड इस चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे ही दिया है। तो यदि आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर आपको दिया गया है, आप लोग इजीली जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इजी चैप्टर है। ओके, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ, इसमें थोड़े डिफरेंट तरह के आपको मैटर्स दिए गए हैं। जब तक आप उन सारे मैटर्स को, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आपको थोड़ा इस चैप्टर में दिक्कत आएगा। तो ये वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा मॉडरेट टाइप चैप्टर है। ओके, ये मॉडरेट है, बीच वाला चैप्टर है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा इजी है। ओके, तो ये जो है ये मॉडरेट चैप्टर है, बट ये चैप्टर कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हार्ड भी लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि यदि आप साइड बुक यानी रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे ना, मान लीजिए आपने इसे पढ़ा, जिस टॉपिक पर आपको डाउट रहा, मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि जिस टॉपिक पर आपको डाउट रह जाए वो आप लोग रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए, तो आपको फायदा भी होगा, ये भी ऑब्वियस ही बात है। ओके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा ही होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर की बात करें, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये दोनों चैप्टर्स भी मॉडरेट टाइप चैप्टर है, बट यहाँ पर चैप्टर थर्ड जो है ये स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है। बट यदि आप मेरे वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखेंगे जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। आप लोग ईजिली इस चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए चैप्टर हार्ड नहीं होता, आपका अटेम्प्ट हार्ड होता है। आप लोग किस प्रकार से उस चैप्टर को समझने के लिए आप क्या कर रहे हैं ना, वो हार्ड होता है। जितना ज़्यादा आप उस चैप्टर में ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड मैंने आपको पहले भी कहा है स्टूडेंट्स, फिर एक बार कहता हूँ कि साइड बुक खरीद लीजिए। एंड यदि आप नहीं खरीद सकते तभी एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि देखिए रेफरेंस बुक खरीद लेने से ना आपका लॉस नहीं है, यदि आप उसे पढ़ेंगे तो, एंड नहीं पढ़ेंगे तो लॉस ही लॉस है। ओके, क्योंकि पैसा बर्बाद, आप पढ़ेंगे भी नहीं। ओके, खरीद भी लिया, पढ़ाई भी नहीं किया आपने, तो ऐसा नहीं करना। यदि खरीदते हैं आप तो उसे पढ़ें, एंड यदि आपको लगता है कि नहीं मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मेरी तरफ से या फिर आपको कोई भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वो खरीदना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने आप का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और भी अधिक कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लेना चाहते हैं, तो आप लोग उस बुक को बेझिझक ले सकते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर 3 और 4 भी यहाँ पर मॉडरेट टाइप चैप्टर हो जाता है। ओके, जहाँ पर चैप्टर 3 जो है वो थोड़े स्टूडेंट्स को हार्ड भी लगता है। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में, जहाँ पर बायोलॉजी में आपको 6 चैप्टर्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर 15 चैप्टर्स में 6 चैप्टर्स जो है वो बायोलॉजी के हैं, यह सभी को पता चल गया होगा। ओके, अब देखिए बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर आपको दिया गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर
बहुत इजी है। ओके, आप लोग इसके बारे में क्लास 8 में भी पढ़ के आ ही रहे होंगे सेल चैप्टर में। ओके, बस वहां पर आपको जो भी ऑर्गेनाइज दिए गए थे ना उसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, एंड यहां पर आपको उसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, बाकी चीजें वही है। ओके, तो ये आपको ये जो चैप्टर दिया गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इजी चैप्टर में आता है क्योंकि आप इसे क्लास 8 में अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक सीरीज में बात करूँ तो आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज ऑफ सेल मेड ऑफ, ओके ये वाला टॉपिक है, उसके साथ साथ वॉक्यूल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स जो भी होते हैं उस सारी चीजें, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो यही सारे टॉपिक्स है। तो यदि आप क्लास 8 को अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो होता है टिशू चैप्टर, सेल के बाद आता है टिशू, वही टिशू चैप्टर आपको दिया गया है। एंड हाँ, ये कहूँगा कि टिशू चैप्टर थोड़ा हार्ड चैप्टर हो जाता है, बट इधर भी जैसे पढ़ेंगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको टिशू के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, एंड जब तक आप सारे टाइप्स को नहीं समझेंगे आपको दिक्कतें आएंगी। मैं इन सारे चैप्टर्स के लिए आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, बट थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, शब्द रखिए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन वाले भी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, चैप्टर 7 आता है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए डाइवर्सिटी चैप्टर जो है ना ये ना ही ज़्यादा हार्ड है एंड ना ही मैं बोलूँगा कि ज़्यादा ईजी है। ओके, इसमें डिफरेंट तरह के नाम दिए गए हैं, ये मॉडरेट चैप्टर में जाता है, बट हाँ यदि आप नाम से डरेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी, फिर आपको ये चैप्टर हार्ड ही लगने वाला है। बट यदि आप इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, तो चैप्टर यहाँ पे 7 जो है वो भी मॉडरेट चैप्टर में से एक है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8, ये आपका फिजिक्स का है, तो पहले हम लोग बायो का देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग फिजिक्स में आएंगे। तो चैप्टर 13, 14 एंड 15 ये आपका हो जाता है बायो का नेक्स्ट पोर्शन। तो चैप्टर 13, 14 एंड 15 ये तीनों चैप्टर्स में से चैप्टर 13 थोड़ा मॉडरेट चैप्टर है एंड 14 और 15 दोनों इजी के इजी चैप्टर्स है। जितना अच्छे से आप उसे पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ओके, इसमें यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे 14 15 तो भी आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पर यदि हम लोग चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में जानना होगा, इसके लिए आप साइड बुक अभी प्रेफर कर सकते हैं, साउथ बुक के जरिए आप जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे बायो की बात। तो बायो मैंने आपको क्या क्या बताया स्टूडेंट्स कि सेल चैप्टर इजी चैप्टर, टिशू चैप्टर मॉडरेट चैप्टर, यहाँ पर डाइवर्सिटी आधे स्टूडेंट्स के लिए इजी, आधे स्टूडेंट्स के लिए हार्ड। ओके, एंड यहाँ पर चैप्टर 13 भी मॉडरेट चैप्टर, चैप्टर 14 एंड 15 ये थोड़े इजी चैप्टर्स है। यदि आप एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, साउंड। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है इसमें मैं किसी को भी इजी नहीं कहूंगा एक्सेप्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी चैप्टर जो है ये इजी चैप्टर है, बाकी जो आपको तीनों चैप्टर्स दिख रहे हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, मैं यहाँ पर ये भी बात कहूंगा कि मैं जिसे इजी कह रहा हूँ ना, हो सकता है वो आपको इजी ना लगे, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपके पास आपको इजी नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ा इजी चैप्टर होता है, बट तभी तक इजी रहेगा जब तक आप उसे जानेंगे। ओके, यदि आप उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी स्टूडेंट्स। ऐसा तो होता ही है कि किसी के लिए इजी किसी के लिए हार्ड, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि फिजिक्स के सारे चैप्टर्स मॉडरेट चैप्टर है, ना ही कोई ज़्यादा हार्ड है ना ही कोई ज़्यादा ईजी है, बट कुछ चैप्टर्स यहाँ पे हार्ड भी दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा जो सिलेबस है जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से हार्ड है, किसमें ज़्यादा फोकस की जरूरत है, आप लोग उस प्रकार से मेरे बताए गए चीज़ों से कर सकते हैं। बट अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग जब भी पढ़ाई करें ना तो सेल्फ नोट्स को बनाते जाएं। ओके, आप लोग अपना नोट्स खुद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए यदि नोट्स आपको कोई और दे देंगे ना, क्लास 9 में और क्लास 10th में बेसिकली बात कर रहा हूँ, कि यदि आपको नोट्स कोई और दे देंगे तो वो उनके वर्डिंग्स रहेंगे। आप सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, बट यदि आप नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट मैं नोट्स तभी प्रोवाइड करवाऊंगा जब आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। ओके, तो चैनल का मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस मैंने नहीं रखा, 159 रुपीज़ प्राइस है, तो आप लोग इजली चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करके 9 क्लास में मुझसे अधिक सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिना किसी टेंशन के साथ आप पढ़िए। ओके, स्ट्रेस मत लीजिएगा कि क्लास 9 में आ गए हैं, क्लास 9 हार्ड है, बहुत ईजी है। यदि
इजी तभी होगा जब आप इसे पढ़ेंगे, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हार्ड ही होती है। ओके, जब तक आप पहाड़ चढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो आपको लगेगा वो हार्ड है, लेकिन जब आप चढ़ते जाएंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। ये एग्जाम्पल के साथ अपने क्लास 9 की तैयारी शुरू कीजिए। मैं भी आपको रेगुलर मैंने मैथ एंड साइंस का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन देता रहूँगा, तो आप लोग जरूर जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 9 के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उन सारे को देख करके किसी भी चैप्टर को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।